दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपका मधुमालती का प्लांट मेरे इस प्लांट की तरह हरा भरा हो और फ्लावरिंग ज़्यादा करे? तो ध्यान रखिए इन सब बातों का, तो आपका भी प्लांट हेल्दी होगा और फ्लावरिंग भी मेरे इन प्लांट की तरह बहुत बढ़िया करेगा। सबसे पहले तो जब भी आप मधुमालती की वैरायटी लेकर आते हैं तो उसकी आप ड्वार्फ वैरायटी यानी छोटी वाली वैरायटी लेके आएँ, जो कि गमले में ग्रो करने के लिए एकदम परफेक्ट होती है। दूसरा, इस प्लांट को सनलाइट काफ़ी पसंद होती है, इसे फुल सनलाइट में रखें या वहाँ रखें जहाँ 3 से 4 घंटे की धूप जरूर मिले। ये दोस्तों एक हैवी फीडर प्लांट होता है, इसे ज़्यादा फ्लावरिंग करने के लिए खाद की भी काफ़ी आवश्यकता होती है। इसे 15 से 20 दिन में एक बार खाद जरूर दें। खाद में आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं या गोबर की खाद भी दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप इसे महीने में एक बार जो है NPK का स्प्रे करें, या आप इसके 1 लीटर पानी में आधा चम्मच पोटाश डाल के भी स्प्रे कर सकते हैं।